Hello, friends, welcome back to my YouTube channel. Today, in this video, we'll be going to see the revised detail notification of TAE EAP set. EAP set is only M set, also, and it is M set itself. The name has been changed. Okay, so here you can see it is starting from tomorrow, that is 4th of July, that is tomorrow. From tomorrow, it is going to start, and then you need to uh, this. Whole EAP set counseling is offline counseling. Okay. So, whatever documents they are saying, be ready with the documents along with the three Xerox copies because they will take the one Xerox copy. One Xerox copy you need to submit in the college, and one Xerox copy you need to keep for yourself for applying the scholarship. Okay. Here, uh, what we have seen. Certificate verification will be from 6th to July to 13. Then, uh, exercising web, web option from 8th to 15th. And freezing option 15th. Provisional allotment will come on 19th. And self reporting to the college will be from 19th to 23. This is your phase one. Then, phase two is going to start from 26th. And it is ending in 4th of August okay, final phase will uh, start in august and it will end in august. this is your, uh, you know, sliding option where if you want to slide uh, from m pharmacy to um, b pharmacy, uh, sorry, it's not b pharmacy, sorry, if if you have took the farm d and you need to slide into another course, that is b pharmacy, then you can do it like that. so this is called sliding phase from farm farm uh, d.

ये तो पूरा डिटेल है किस तरीके से आपको आ, प्रोसेस करना है ठीक है मैं आपको प्रोसेस को भी ए, एक तरीके एक उसमें बोल दूंगी मेरे उसमें ठीक है तो आपको रैन कार्ड चाहिए हॉल टिकट चाहिए आधार कार्ड चाहिए एसएससी का मेमो चाहिए होगा इंटर का मेमो चाहिए होगा और ये बोनाफाइड इम्पोर्टेंट है इंटरमीडियट इक्वल बोनाफाइड इसलिए इम्पोर्टेंट है जब आप बोनाफाइड शो करोगे तो आपका रेसिडेंस रेसिडेंस सर्टिफिकेट के जैसा वर्क तो करेगा ठीक है आपको सेपरेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉन लोकल स्टूडेंट हो और आप कहीं और जहाँ से पढ़े हो तो आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनाना होगा अगर आप लोकल स्टूडेंट हो यानी कि विद इन तेलंगाना आपने पढ़ा है आ, अपना क्या कहते हैं नर्सरी से पढ़े हो या फिर पास सेवन से यहीं पर पढ़े हो तो आपका बोनाफाइड ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट के जैसा वर्क करेगा आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर टी एंड देन इनकम सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए ठीक है और आ, ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट भी चाहिए ठीक है कैस्ट सर्टिफिकेट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पाँच सेवन ईयर्स का जो कि मैंने कहा है आपको बोनोफाइड भी वर्क कर सकता है रेसिडेंट सर्टिफिकेट का जैसा उसको बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है बट द थिंग इज़ आप नॉन लोकल हो तो आपको ये बनानी पड़ेगी दिख रहा है नॉन लोकल कैंडिडेट्स को रेसिडेंट सर्टिफिकेट शो करना होगा रिसाइड इन द सेस फॉर टोटल टेन ईयर्स एक्सक्लूडिंग ठीक है ये रेसिडेंट सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए एम्प्लॉय सर्टिफिकेट मैनर नहीं करता माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है आ, ये आप सर्टिफिकेट किस तरीक़े से बनाना है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ये मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की गई है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं घर में इन देंस मैंने आपको एक टेलीग्राम पर सर्टिफिकेट का फ़ोटो दिया है वहाँ से डाउनलोड कर कर मेरे वीडियो की इंस्ट्रक्शन दी गई है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो फिल करिए फिल करने के बाद आप उसको अपने कॉलेज सॉरी स्कूल में लेके जाकर हेडमास्टर के सिग्नेचर ले लीजिए उनके सिग्नेचर ले लेंगे तो वो आपका जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा फॉर दिस काउंसलिंग ओके तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इस तरीके से बना ले सकते हैं आपको कहीं जाकर uh, मी सेवा में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैंने जैसे कहा था ओरिजिनल के साथ थ्री सेट ऑफ जरॉक्स कॉपी आपको रखनी पड़ती है अगर आप फिज़िकली हैंडी है या कैप के स्टूडेंट है तो आप अपने वो सर्टिफिकेट शो करिए ठीक है एन के या स्पोर्ट्स के है ये है तो आपका ये सर्टिफिकेट्स होना ज़रूरी होगा ठीक है एंड देन ये तो सारे स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी के उनके स्लॉट टाइमिंग्स है अब आपका ऑफलाइन काउंसलिंग किस तरीके से होता है जब आप पेमेंट कर देते हो आपको एक अपने करीब का स्लॉट लेना होगा ठीक है स्लॉट फॉर वाट फॉर सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन और वो जो टाइमिंग देता है वही टाइमिंग पर जाना होगा वो आपके आ क्या कहते हैं रैंक्स के हिसाब से आप लोग को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं और आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और वो लोग वहाँ पर एक डिस्प्ले रखेंगे जो वो डिस्प्ले पर एक ऑर्डर बता देंगे उसी ऑर्डर में आपको आ, उसी ऑर्डर में आपको क्या करना होता है आपको सर्टिफिकेट्स अरेंज करना है ठीक है उसी ऑर्डर में सर्टिफिकेट्स अरेंज करना वो भी पूरे थ्री कॉपीज और थ्री कॉपीज जीरोक्स के प्लस ओरिजिनल भी उसी तरीके से अरेंज करना है और वो लोग जल्दी से आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे आपको एक मैसेज आएगा जब आपको मैसेज आएगा वेरीफ़िकेशन कम्प्लीट हो चुका है अब आप आपका वेब ऑप्शन फ्रीज कर सकते हो तो आप उसके उसी दिन भी फ्रीज कर सकते हो वेब ऑप्शन या फिर उसके दूसरे दिन भी तो आप उसी दिन भी कर लेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि वेब ऑप्शन जैसे, जैसे जो जो कंप्लीट करते हैं वो वो वेब ऑप्शन डालते हैं तो आप अपने वेब ऑप्शन जो है ऑलरेडी सोच कर रख लीजिए ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो ठीक है और एक ऑर्डर में से, सेलेक्ट करना फर्स्ट फर्स्ट वो कॉलेज रखना जो कॉलेज में आप लेना चाहते हैं सेकेंड जो आपके थ्री चॉइस ऑफ कॉलेज आपकी चॉइस के होना चाहिए जो कि आप कॉलेज़ में लेना चाहते हैं नेक्स्ट कॉलेजेस आप डाल सकते हैं आपके चॉइस के ऐसा कुछ नहीं है कि थ्री कॉलेजेस आपके चॉइस के होना बाकी के नहीं चाहिए वैसा नहीं है कि आपके सारे कॉलेजेस चॉइस के होने चाहिए बट ऑर्डर इस तरीके से रखिए अगर ये मुझे ये पहले ये कॉलेज में आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा अब सपोज आपको आपके रैंक के हिसाब से फर्स्ट नहीं मिलता है तो सेकेंड भी आ जाएगा तो चल जाएगा इस तरीके से आप ऑर्डर रखिए ठीक है एंड लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन वो रखिए जहाँ पर आप लेना नहीं चाह रहे बट अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये सारे नहीं आए तो इसमें तो भी मिल जाएगी ठीक है एंड आप मेरे न चैनल पर न्यू है और ऐसे काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग